गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम टॉपिक करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारे देश का नाम क्या है। यस, हमारे देश का नाम भारत है और उसी देश के ऊपर आज हम एक कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है देश की माटी। ठीक है, ये आपकी कक्षा 3 की हिंदी का लेसन है फर्स्ट, और इस पोएम को लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आज हम इसको कविता को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए आज हम इसको गाने जा रहे हैं बल्कि। ठीक है, पढ़ेंगे भी और साथ साथ इसको गा के भी देखेंगे। ठीक है, और आप सब मेरे साथ साथ इसको गुनगुनाएंगे। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट करते हैं। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु, सरस बने, सरस बने प्रभु, सरस बने। देश की माटी देश का जल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हमारे देश की जो मिट्टी है, माटी मतलब मिट्टी है, और जो देश का जल अर्थात पानी है, और हमारे देश में जो हवा बहती है, और उस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो फल है, वो सब क्या बने? सरस। सरस मीन्स रस से भरे हुए, जिनके अंदर मिठास हो। ठीक है, आगे कवि क्या कह रहा है? देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बात। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बात। सरल बने प्रभु, सरल बने, सरल बने प्रभु, सरल बने। देश के घर और देश के घाट। ठीक है, कभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो हमारे देश के घर है और देश के घाट है। घर यानी कि जो हमारे देश के जो निवासी, जो घरों में निवास करते हैं, और हमारे देश के घाट यानी कि नदियों के घाट अर्थात नदियों के नजदीक रहने वाले। देश के वन और देश के बाद यानी कि जो देश के जंगल है हमारे, जो उसके अंदर जो भी निवास यानी कि हम करते जो जानवर पक्षी और जानवर रहते हैं, और देश के बाद यानी कि जो देश के रास्ते हैं उनमें आने वाली मुश्किलें सरल यानी कि आसान बन जाए, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो कवि इनके अंदर ये भाव व्यक्त करता है। और अंतिम जो पद्यांश है हमारा वो क्या है? देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु, विमल बने, विमल बने प्रभु, विमल बने। देश के तन और देश के मन। ठीक है, कभी यहां पर क्या कहना चाहता है कि जो देश के तन, तन मतलब जो शरीर, और देश के जो मन है यानी कि लोगों, या तन का मतलब यहाँ देश के लोग हैं, और उनका जो मन है वो देश के घर के भाई बहन यानी कि जो देश के अंदर निवास करते हैं, आपस में जिनका भाईचारा है, वो क्या बने? विमल बने प्रभु, विमल बने। विमल मतलब साफ, यानी कि उनके मन के अंदर साफ हो, उनके मन साफ हो, आपस में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, आपस में प्रेम प्यार से वो रहे। तो ऐसी कामना परमात्मा से की गई है, और वो किसने की है? जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, उसके माध्यम से परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना की है कि हमारे देश के अंदर सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो। ठीक है, हमारा देश तरक्की करे, उसमें किसी प्रकार का झगड़ा
ना हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहे, आपस में प्रेम प्यार से बोले। तो ये थी आज की हमारी कविता। कविता का नाम है देश की माटी। ठीक है तो बच्चों, आपने ये पोएम लिखनी है और इसके जो भाव है वो अपने शब्दों में उसको व्यक्त करना है, लिखना है और लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देना है। ठीक है, और तो अगले वीडियो मिलते हैं हम अगला नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।